नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द टाइमलेस शो में, जहां पर हम 10 मिनटों में देश और दुनिया की प्रमुख प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में चर्चा करते हैं और एक विस्तृत जानकारी लेते हैं। आप सभी का द टाइमलेस शो में मैं उन्नति जैन स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जी जान लगाकर लग चुके होंगे। आज जो हम टाइमलेस शो में चर्चा करने वाले हैं वो भारत के प्रमुख मुख्यमंत्री राज्यपाल 2024 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मतलब लोकसभा चुनाव होने के पहले मध्य प्रदेश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। 10 मिनटों में मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तियों के बारे में आपको बताऊंगी। 10 मिनट में ही उसको याद करने की कोशिश करना, ताकि अगर आगामी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको बहुत अच्छे से पता हो। आज जो हम पूरे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक की चर्चा करने वाले हैं वो सारे के सारे अपडेटेड हैं, चाहे वे झारखंड के मुख्यमंत्री की चर्चा करें या फिर तेलंगाना के राज्यपाल की चर्चा करें, तो ये सारे अपडेटेड कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। चाहे तो नोट कर लेना या फिर मेरे साथ इसको याद कर लेना, ताकि एक ही कक्षा में सभी राज्य और मुख्यमंत्रियों के बारे में, राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के बारे में आप सभी को जानकारी मिल जाए। अगर आप लोग 10 मिनट शो के इस वीडियो तक आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनको राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख व्यक्तियों को याद करने में परेशानी हो रही है। चलिए, तो विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हम शुरू करते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों से। सबसे पहले मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में नई विधानसभा में मुख्यमंत्री का पदभार जो मिला है वो डॉक्टर मोहन यादव को मिला है, जो कि दक्षिणी उज्जैन के विधानसभा क्षेत्र के संसद नेता है या फिर सदस्य है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये भी आपको याद रखना होगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो जगमोहन रेड्डी या जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ अब्दुल नजीर यहां के राज्यपाल हैं। असम की बात करें, चर्चा में रहा है असम कई योजनाओं के कारण, कई नीतियों के कारण, तो असम हेमंत बिस्वा को याद रखना है और साथ ही साथ गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं। बिहार का राजनीति आपको पता है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अलकेरकर, यहाँ पर स्टार लगा लेना, मे बी पॉसिबल राज्यपाल बिहार के पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में दोनों ही भगवान हैं, मुख्यमंत्री हैं विष्णु और जो राज्यपाल है वो हरिचंदन, मुख्यमंत्री है विष्णु देव राय और जो राज्यपाल है वो है विश्वा विष्णु हरिचंद्रन। तो इस प्रकार ये पांच राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्रियों के नाम मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ ही याद हो चुके होंगे। गोवा चलोगे तो यहाँ पर प्रमोद सावंत मिलेंगे, श्रीधरन पिल्ले यहाँ के राज्यपाल मिलेंगे, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत याद रखना। गुजरात चलोगे तो भूपेंद्र पटेल साहब मिलेंगे और आचार्य देव व्रत गुजरात के राज्यपाल मिलेंगे। अगर हम हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर परिवर्तित हो चुके हैं, हरियाणा के नवीन मुख्यमंत्री आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय यहां के राज्यपाल हैं, याद रख लेना। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिव प्रताप शुक्ल यहां के राज्यपाल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री परिवर्तित हुए, हेमंत सोरेन जेल में बैठे हैं, नए मुख्यमंत्री इनके चाचा जी चंपई सुरेन है, याद रख लेना। और सीपी राधा कृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। कर्नाटक की सिद्धारमैया और थावर चंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो ये छह राज्य और उनके मुख्यमंत्री राज्यपाल आपको याद हो जाने चाहिए। मेन फोकस हरियाणा पे करना, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री परिवर्तित हुए हैं, और साथ ही साथ झारखंड पे भी मेन फोकस करना, मे बी पॉसिबल इसके राज्यपाल या मुख्यमंत्री के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल देखना है। केरल जाओगे तो पिनराई विजयन यहाँ के केरल के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है, एकनाथ शिंदे और रमेश बैस राज्यपाल हैं।
मणिपुर जाओगे तो वीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री और अनुसुईया उई के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। मेघालय में कोनराड संगमा, संगमा में बस याद कर सकते हो, और मेघालय में राज्यपाल हैं फागु चौहान। मिजोरम जाना है तो लाल दोहुमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं और कंबपति हरी बाबू मिजोरम के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करते हैं नागालैंड की तो नेफ्यू रिव्यू या नेफ्यू रियू नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं श्री ला गणेशन, गणेशन के रूप में याद कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम कुछ ऐसे इसमें स्टार लगा दो जो हमें याद करने चाहिए, तो आप लोग मणिपुर के याद करके जाना, मणिपुर जितना भी अशांति हुई है संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछने की संभावना हो सकती है, और भी अगर आपको पूरे याद हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, राज्यपाल है रघुवर दास। पंजाब में भगवंत सिंह मान है, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। राजस्थान में भजन कर रहे हैं कालराज मिश्र, तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कालराज मिश्र राज्यपाल हैं। सिक्किम के पीएस गोले, सिक्किम के हैं पीएस गोले और यहाँ के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तमिलनाडु में एम के स्टालिन का नाम याद रखना, स्टालिन तो बड़े चर्चित मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आर एन रवि हैं, ये भी आपको साथ में याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना में, तेलंगाना में स्टार लगा लेना क्योंकि तेलंगाना के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया था, अब कार्यभार या अतिरिक्त प्रभार के रूप में सी पी राधाकृष्णन जो झारखंड के राज्यपाल हैं उन्होंने ही तेलंगाना का अतिरिक्त कार्यभार राज्यपाल के रूप में अपने पास लिया है। तेलंगाना रेवंत रेड्डी और सी पी राधाकृष्णन को याद रखना। त्रिपुरा में माणिक साह और नुल्लू इंद्र से रेड्डी के रूप में याद रखना। उत्तर प्रदेश आपको याद है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल जाओगे तो ममता दीदी मिल जाएंगी और आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तुम्हें ऑलरेडी याद होंगे। कुछ में मैंने चांद सितारे उतारे हैं, चांद सितारे उतारने का मतलब ये है कि आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावनाएं और तगड़ी बन रही है। अरुणाचल प्रदेश के लिए पेमा खांडू याद रखना और कैवल्य त्रिक्रम लेफ्टिनेंट जनरल को याद रख लेना। उत्तराखंड जाओगे तो पुष्कर सिंह धामी याद रखना उत्तराखंड में और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल के रूप में याद रख लेना चाहिए। अब ये तो हो गई राज्यों की चर्चा, मध्य प्रदेश के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक बार और इस 10 मिनट शो को देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तो आपको राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद हो जाएंगे। अब देखते हैं, चूंकि केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का सीधा ही प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, केंद्र के द्वारा यहाँ पर उप प्रशासक, प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, तो चर्चा अगर की जाए सबसे पहले एक संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार यानी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी के रूप में, तो डी के जोशी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल है। अगर चंडीगढ़ चलेंगे तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रशासक है जो कि पंजाब में भी राज्यपाल है। दादर एवं नागर हवेली प्रफुल्ल पटेल को याद रखना। दिल्ली में याद रखना विनय कुमार सक्सेना, ये क्या है यहाँ के उपराज्यपाल है, जबकि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है और दिल्ली में वहां के उनके मुख्यमंत्री हैं जो अभी जेल में हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जम्मू कश्मीर में याद रखना मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। लक्षद्वीप चलेंगे तो लक्षद्वीप में भी प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक है। पुडुचेरी में सीपी राधाकृष्णन अतिरिक्त प्रभार है, सीपी राधाकृष्णन देखा आपने झारखंड के राज्यपाल है और तेलंगाना और पुडुचेरी के इनका इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। लद्दाख की बात करते हैं तो वीडी मिश्रा के पास लद्दाख चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यभार इनके पास है। इस प्रकार मैंने 10 मिनटों में आपको सारी की सारी चर्चाएं देने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत मैंने मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख प्रशासकों के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको आज का 10 मिनट शो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या 10 मिनटों में आपको राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री और प्रशासकों और उपराज्यपाल के बारे में याद हुआ है या नहीं। अगला टॉपिक आप 10 मिनट शो में क्या चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट 10 मिनट शो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।